हाय एवरीवन, आई एम आभा एंड यू आर वाचिंग हैप्पी मम्मी ब्लॉग्स। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपिसियोटोमी के बारे में, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी के वक्त जो हमें टांके लगाए जाते हैं, यानी कि वजाइनल कट, वजाइनल टियर, पेरिनियम टियर या जो भी जिस भी नाम से आप इसे बोलना चाहते हैं, उस बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है आज के टाइम पे। हर दूसरे तीसरे को सुनने में आता है कि उससे वजाइनल टियर हुआ, वजाइनल कट दिया गया, एपिसियोटोमी हुई है। तो ये सारी बातें इस समय बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी हैं, बहुत ही बेसिक बातें हैं और हम सभी को इस बारे में पता होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। स्पेशली अगर हमारी पहली डिलीवरी है, पहली बार हम प्रेग्नेंट हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं लेडीज के माइंड में। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इस बारे में, तो मैंने सोचा चलो भाई अब इस टॉपिक के बारे में भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि दोनों ही डिलीवरी में मुझे एपिसियोटोमी दी गई है, वजाइनल कट टियर आया है। और चलो अब जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। एपिसियोटोमी आपकी नॉर्मल डिलीवरी को आसान बनाने के लिए और बेबी को बिना किसी तकलीफ के आसानी से बाहर लाने के लिए की जाती है। ये बेसिकली वजाइना के अराउंड पेरिनियम का जो हिस्सा होता है, वजाइना एंड एनस के बीच में, वहां पर दिया जाता है। अलग अलग इसके जो स्टेजेस होते हैं टियर देने के, वो अलग अलग होते हैं। जनरली ये जो टियर होता है, जो कट होता है, वो छोटा ही दिया जाता है और इसके लिए बहुत ज्यादा टाके भी नहीं लगाए जाते हैं। मैं यहाँ पर एक पिक्चर शेयर कर रही हूँ जिससे कि आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। तो एक छोटा सा तिरछा कट दिया जाता है जिसके बाद बेबी बहुत ही आसानी से बाहर आ जाता है। अब एपिसियोटोमी क्यों करी जाती है? पहला तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी को आसान बनाने के लिए, दूसरा कि जब आपका जो वजाइना है वो स्ट्रेच नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा खिंचाव है और डॉक्टर को ऐसा लग रहा है कि वहां पर नेचुरल टियर आ जाएगा या फिर काफी डीप टियर अपने आप आ सकता है, तो इस चीज से बचाने के लिए डॉक्टर यहाँ पर एक छोटा सा कट देते हैं जिससे कि बेबी आराम से बाहर आ पाता है और आपको उतनी तकलीफ नहीं होती है। तीसरा, जब बेबी का हेड सरकमफेरेंस बहुत ज्यादा होता है, बेबी का सर काफी बड़ा होता है, वो नेचुरली बाहर नहीं आ पा रहा होता है, तो यहाँ पर बिना किसी देरी के बेबी को आसानी से बाहर लाने के लिए भी ये कट दिया जाता है। कभी कभी ये टियर अपने आप भी आ जाता है, कुछ डॉक्टर इसे देने के पहले एनेस्थीसिया देते हैं, कुछ इसे देने के बाद में एनेस्थीसिया देते हैं। कट के बाद में आपको टांके भी दिया जाता है जिससे कि ये जल्दी से जल्दी हील हो जाए। इसके बाद आपको प्रिकॉशंस के लिए कुछ बातें बताई जाती हैं जिसे आपको फॉलो करना होता है एटलीस्ट 40 डेज तक, 40 दिन तक आपको ये सारी चीजों को, सारी बातों को ध्यान पूर्वक फॉलो करना होता है जिससे कि आपके जो स्टिचेस होते हैं वो जल्दी जल्दी हील हो जाते हैं और आप फटाफट से एक्टिव मोड में आ जाते हो। अब अगर आप अच्छे से ये सारे प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हैं, सारे गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं, तो आपको तकलीफ नहीं होगी, आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। अब नॉर्मल डिलीवरी के जो टियर होता है, इसके बाद फिजिकली तकलीफ तो होती है, मेंटली भी होती है, तो इसे किस तरीके से जल्दी ठीक किया जाए, सो मैं बताती हूँ आपको वो सारी चीजें जो आपको फॉलो करनी है, जो मैंने भी फॉलो करी और मुझे बहुत इंप्रूवमेंट इससे फील हुआ एंड वो सारी बातें जो डॉक्टर ने मुझे बताई। नॉर्मल डिलीवरी में जो आपको स्टिचेस दिए गए हैं उसे ठीक करने के लिए सबसे ज्यादा तो आपको आराम करना है, ज्यादा चलना फिरना नहीं है, ज्यादा देर बैठना नहीं है, कोई वजन नहीं उठाना है और जमीन पे तो बिल्कुल नहीं बैठना है, यानी कि जमीन पे जो बैठ जाते हैं कोई भी काम करने के लिए, अब आपको नहीं बैठना है। कम से कम आपको 15 से 20 दिन ऐसा करना है और इन सारे एक्टिविटीज को जो कि बैठ कर की जाती है, खड़े होकर की जाती है बहुत टाइम तक, उसे अवॉइड करना है। शुरुआत के दिनों में अगर आप रेस्ट कर लेते हैं तो आपको आगे कभी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद आपको सेट बाथ लेनी है, यानी कि जो गर्म पानी का सेक होता है वो आपको लेना होता है, तो सहने लायक गर्म पानी आपको बनाना है, एक टब में आपको उसे डालना है। सिट बाथ का जो टब आता है वो आप परचेज कर सकते हैं, आपको अमेजोन से मिल जाएगा और ये आपको डे वन से ही स्टार्ट कर लेना है। डिलीवरी आपकी हुई नहीं, आपको उसी दिन से शुरू करना है। अब सिट बाथ कैसे लेनी है? टब में आपको गर्म पानी लेना है, पानी आपका सहने लायक होना चाहिए, उसमें आपको एंटीसेप्टिक लिक्विड डाल सकते हैं, 15 ml आपको ये लिक्विड डालना है, उसे डिजोल्व करना है और उसमें आपको 15 से 20 मिनट बैठना है उसके ऊपर। अब ये जो सिट बाथ वाला टब होता है ये कमोड के ऊपर अच्छे से फिट हो जाता है, अगर आप ऐसे नहीं बैठना चाहते तो आप नॉर्मल बकेट का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद स्टिचेस को हील करने के लिए डॉक्टर आपको कई तरह की मेडिसिन देते हैं और ऑइंटमेंट देते हैं, यानी कि एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह आपको प्रोवाइड करी जाती है, उसे आपको रेगुलरली यूज करना है। मेडिसिन आपको रोज खानी है या फिर आपको दिन में एक बार या वीक में एक बार, ऐसे जो भी मेडिसिन दी गई है वो आपको आपके स्टिचेस पर अप्लाई करते ही रहना है, क्योंकि इससे आपके जो स्टिचेस है वो बहुत जल्दी हील हो जाएंगी। इसके बाद आपको आपका जो प्राइवेट पार्ट है, जो वजाइना के आसपास का हिस्सा है, उसे ड्राई रखना है, उसे सूखा रखें, बिल्कुल भी नमी ना आने दें। और शुरुआत के दिनों में आप नहाना अवॉइड करिए, कुछ दिन आप ना नहाइए तो आपके जो स्टिचेस होते हैं वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। अगर आप अपना प्राइवेट पार्ट वॉश करना चाहते हो, आपको
आदत रही है वॉश करने की, तो आप वॉश मत करिए, नॉर्मल कॉटन जो होती है उससे आप हल्के गुनगुने पानी में डिप करिए और उससे आप आपका प्राइवेट पार्ट क्लीन कर सकते हो और फिर उसके बाद आप उसे ड्राई कर लो। इसके बाद हाइजीन जरूर रखें, एवरी टाइम जब भी आप कपड़े बदलो आपका प्राइवेट पार्ट आप अच्छे से क्लीन करो, उसे एयर ड्राई करो, कुछ देर आप खुला बैठिए, जब एयर ड्राई हो जाए आपका प्राइवेट पार्ट तब उसके बाद आप पैंटी पहन सकते हैं या फिर पैंट जो भी आप कैरी करना चाहते हैं नीचे वो आप पहन सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बोलूंगी कि आप ढीले ढाले कपड़े ही पहने, शुरुआत के जो 15 दिन होते हैं आपको एकदम हल्के और ढीले कपड़े ही पहनने हैं, बिल्कुल भी शरीर पर चिपका हुआ कपड़ा ना पहने। अब ऐसा आप शुरुआत के दिनों में नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको ब्लीडिंग हो रही होती कंटिन्यूअसली और उस वजह से हमारा जो प्राइवेट पार्ट है उसके आसपास का हिस्सा वहां पर काफी मॉइस्चर हो जाता है, लेकिन फिर भी आप टिश्यू पेपर रखो, जो टॉयलेट पेपर होता है, टिश्यू पेपर होता है, फेशियल टिश्यू जो होता है उससे आप अपना प्राइवेट पार्ट का जो मॉइस्चर है उसे आप कम कर सकते हैं। एंड ऑल्सो ये जो ब्लीडिंग होती है वो मैक्सिमम 15-30 डेज चलती है। एंड ऑल्सो जैसे ही आपकी ब्लीडिंग ओवर होती है आप ज्यादा से ज्यादा आपके प्राइवेट पार्ट को एयर ड्राई करिए और कट वाली पैंटी की जगह आप नॉर्मल हिपस्टर पैंटी जो होती है वो शॉर्ट स्टाइल पैंटी जो आती है वो पहनना शुरू कर दीजिए। नॉर्मल डिलीवरी के टाइम जो स्टिचेस दिए जाते हैं उसे जल्दी हील करने के लिए आपको कॉन्स्टिपेशन से बचना है। डिलीवरी के बाद कॉन्स्टिपेशन होना बहुत कॉमन सी बात होती है। हमारा डाइजेशन बिल्कुल चेंज हो जाता है, हमारा खान पान चेंज हो जाता है, सब कुछ अलग हो जाता है और बहुत सारी मेडिसिन भी हमें दी जा रही होती है, तो ऐसे में कॉन्स्टिपेशन होना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन आपको इससे बचने के लिए बहुत सारा फाइबर रिच फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल खाना है। आप जितना खाओगे उतना ज्यादा आपका मोशन इजी रहेगा। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज जब हमें होता है तो उसकी वजह से जो प्रेशर आता है टॉयलेट का वो सीधे सीधे हमारे वजाइनल स्टिचेस पर असर डालता है और हमें बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, कभी कभी खिंचाव भी हो जाता है जिसकी वजह से हमें बाद में बहुत ज्यादा पेन का सामना करना पड़ता है। तो डिलीवरी के बाद आप आसानी से पचने वाले, इजिली डाइजेस्ट होने वाले फूड ही खाइए। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी कपड़े चेंज कर रहे हो कपड़े एकदम साफ सुथरे हो, अच्छे से धूप में सुखाए हो, स्पेशली आपकी पैंटी जो भी आप कैरी कर रहे हैं। और अगर आपको प्राइवेट पार्ट पे सूजन फील हो रही है, थोड़ा स्वेलिंग जैसा फील हो रहा है, तो आप हल्की बर्फ की सिकाई भी कर सकते हैं, उससे आपको आराम मिलेगा। ऑल्सो कुछ दिनों तक अब आपको पैरों को चिपका करके रखना है, चिपका करके बैठना है और उठना है, क्योंकि जितना आप पैरों को चिपका करके रखेंगे मूवमेंट नहीं करेंगे उतनी जल्दी आपकी जो स्टिचेस हैं वो ठीक हो जाएंगे। एंड ऑल्सो आपको पैरों के बीच में होने वाली रगड़ से बचना है, चलते समय, उठते समय, बैठते समय पैरों के बीच में रगड़ होती है, उसकी वजह से स्टिचेस पे काफी असर पड़ता है। कुछ लोगों की बॉडी काफी हैवी हो जाती है, नीचे का जो हिस्सा होता है हिप और अपर थाई का वो काफी हैवी हो जाता है और उनको नेचुरली भी उठने बैठने चलने में काफी रगड़ होती है, तो ऐसे में आप सहारा लेकर के उठिए। अगर आपको उठना है किसी की हेल्प ले लीजिए या फिर साइड में कोई आप चेयर वगैरह रखिए जिसका सहारा लेकर के आप उठिए। एक पर्टिकुलर पोजिशन होती है, पहले आपको करवट लेना है उसके बाद ही आपको उठना है, तो जिस करवट आपको आसानी होती है करवट आप घूम जाइए और उसके बाद फिर आप उठ करके बैठिए। ऐसा आपको 30-40 डेज तक करना है क्योंकि स्टिचेस के ठीक हो जाने के बाद भी हमारी स्किन काफी सेंसिटिव होती है और जब लेग क्रॉस करके हम बैठ जाते हैं तो स्ट्रेच होती है स्किन, खिंचाव आता है और हमें शुरू हो जाता है पेन। स्टिचेस के टाइम पे यूरिन पास करने पे भी बहुत प्रॉब्लम होती है, जब भी हम यूरिन के लिए जाते हैं और थोड़ा भी पार्ट अगर स्टिचेस पे लगता है यूरिन का तो बहुत तेजी से जलन भी होती है, कभी कभी ऐसा होता है। और इस चीज से बचने के लिए अगर आपको ऐसा हो रहा है, ऐसा लोगों को नहीं होता है लेकिन अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है, यूरिन पास करते समय आपको स्टिचेस पे जलन हो रही है, तो हल्का कुनकुना पानी अपने पास में जरूर रखें और जैसे आप यूरिन कर रहे हैं बस वो पानी आप डालते जाए, इसकी वजह से यूरिन का जो इफेक्ट है वो आपकी स्टिचेस पर नहीं पड़ेगा। एंड ऑल्सो अगर आपको ऐसा लग रहा है टॉयलेट क्लीन नहीं है या फिर आपको यूटीआई इन्फेक्शन का डर लग रहा है तो आप स्टैंड पी डिवाइस का भी यूज कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको इंडियन टॉयलेट से प्रॉब्लम हो रही है, स्टिचेस है तो हम बैठ नहीं पा रहे हैं तो हम कैसे यूरिन और स्टूल पास करें, दिक्कत हो रही है, ऑफ कोर्स इंडियन टॉयलेट जो होता है उसे यूज करने पे हमारे स्टिचेस पे बहुत असर होता है, कभी कभी स्टिचेस खुल भी जाती हैं और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ऐसे में आप क्या करो कि जो कमोड एक्सटेंशन होते हैं वो आप परचेज कर लो, कमोड सीट होती है, स्टूल होता है, वो आप परचेज करें, अमेजोन पे आपको मिल जाएगा और उसे आपको इंडियन सीट पे रखना है, देन इसके ऊपर आप बैठना है। तो एज अ वेस्टर्न टॉयलेट आप इस सीट का यूज कर पाओगे, आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिससे कि आपको इजिली ये प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा। सो गाइस जब आप ये सारी चीजें, सारे प्रिकॉशंस, सारी गाइडलाइंस जब आप फॉलो कर रहे होते हैं बिल्कुल ध्यान से, तो क्विकली आपकी जो स्टिचेस होती हैं वो हील हो जाती है। डजंट मैटर आपको एक टियर आया है या फिर दो टियर आया है, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। 12 से 15
दिन आपको लगते हैं नॉर्मली जो स्टिचेस ठीक होते हैं प्रिकॉशंस के साथ में, और अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हो आप नॉर्मल भी हो, तब भी 20 to 35 days के अंदर ये जो स्टिचेस होते हैं वो हील हो ही जाते हैं। इसका जो सेंसेशन होता है स्टिचेस का वो कुछ दिन रहता है, 10 से 12 दिन और रहता है। आपको ऐसा फील होगा कि शायद स्वेलिंग सी है, कुछ फील सा हो रहा है, अजीब सा लग रहा है, ये सब सेंसेशन जो होते हैं ये कुछ दिन तक आपके साथ रहते हैं और धीरे धीरे ये भी चले जाते हैं और आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती और इसके बाद आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे जैसे कि आप डिलीवरी के पहले थे। सो आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है, फिजिकली स्ट्रांग बनना है और ये सारे प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और आपको एपिसियोटमी दी गई है।